एक ट्वीट किया था हैशटैग वन राखी फॉर संजीव भट्ट, तो देखिए कितनी राखी आ गई। ट्वीट करने का दी ओनली मोटिव वाज टू सीक सपोर्ट, भाई को जेल से रिहा करना करवाने में, सपोर्ट वननेस शो करने में। और आज we have almost received more than 30,000 rakhis. So through this, through you, सबको हमारी तरफ से on behalf of his family शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एक वो ट्वीट जो किया था वन राखी फॉर संजीव भट्ट, तो 30,000 राखियाँ हम लोगों ने रिसीव की है। एंड यू नो दी घर से उठना, एक राखी खरीदना और फिर उस राखी को पैक करके भेजना, अपने में एक कन्विक्शन शो करता है, अपने में एक कन्विक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग वे में शो करता है कि वी आर विद यू। और उस चीज को लेकर आज फैमिली खुश है कि आज उनके साथ देश भर के लोग खड़े हैं, दी सीनियर वॉइसेस आर देयर विद देम। वो लोग जिन लोगों ने अपना एक पल उठाया और राखी खरीदने के लिए गए, लिफाफा खरीदने के लिए गए, उस लिफाफे पे एड्रेस डाला और फिर पोस्ट ऑफिस में वो राखी पोस्ट किया, मुझे लगता है आज फैमिली उस चीज को लेके खुश है कि हमारे साथ लोग हैं। देखिए स्ट्रेंथ शो करने की बात है तो स्ट्रेंथ आज वो स्ट्रेंथ फील होती है कि हम लोगों में स्ट्रेंथ है क्योंकि देश भर के लोग हमारे साथ हैं। भाई हैज हिज लीगल टीम नो डाउट, बट आई मीन टू बी विद हिम वाज मोर इम्पोर्टेंट। आई मीन पेरेंट्स को, इसके जो फैमिली है, भाई की फैमिली को, वो संजीव भट्ट वाइफ, जो मुझे लगा कि एक टाइम पे अकेली लड़ रही थी, उनका बेटा अकेला लड़ रहा था, तो ऐसा लगा कि चलो अपने घर से उठ के जाए और फैमिली को सपोर्ट करे। सो वी आर हेयर। मीडिया का एक सपोर्ट बनता है, जो कि पहले भी बोला, सबने बोला कि मीडिया का सपोर्ट बनता है इन हाईलाइटिंग, इन रिपोर्टिंग। सो आज आप लोगों को एक फिर से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कीप रिपोर्टिंग द फैक्ट्स, कीप रिपोर्टिंग दिस केस, कीप हिज केस अलाइव, सो दैट जो लोग कल फैसला करें उनको ऐसा लगे कि नहीं, देश है संजीव भट्ट के साथ। ही हैज बीन फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, ही वाज फॉल्सली इम्प्लिकेटेड बिकॉज ही वाज अ वॉइस, ही वाज ट्राइंग टू बी अ वॉइस, ही वाज ट्राइंग टू बी वॉइस ऑफ वॉइसलेस, सो दैट इज व्हाई ही वाज इम्प्लिकेटेड। देखिए किसी इंसान को दबाना एक ऐसे केस में जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लाइक फादर जस्ट सेड, मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी।